सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो इंसान है, जो मानव है, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरी की पूरी प्रकृति को। और लास्ट में हम लोगों ने बात की कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वह किस तरीके से जो वन्य जीव है या जितने भी वन हैं उनकी सुरक्षा के लिए कानून तो बना चुका है, लेकिन आज भी वो जो नियम है, वो जो कानून है, ना उनका सम्मान किया जा रहा है, ना कोई नियमों की, कानूनों की ना कोई रेस्पेक्ट करता है, और ना ही उन्हें अभी तक पूर्ण रूप से इन्फोर्स किया जा चुका है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने उन्हें लागू भी ठीक से नहीं किया है। तो आइए गाइस, उसी के एक उदाहरण के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि भैया क्या यहाँ पर हमारा लेक्चर कहना चाहता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट बात की थी कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लॉ बना हुआ है, लेकिन वो लॉ जो है, वो जो नियम है, वो सही तरीके से ना तो इन्फोर्स हो पा रहा है और ना ही कोई उस नियम का सम्मान कर रहा है। जब तक हम उस नियम को इन्फोर्स नहीं कर देते या उसका सम्मान नहीं करते, तब तक हम किसी भी तरह की बेहतरी की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी आर एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। जैसा कि हमारा संविधान कहता है कि भाई कास्टिज्म जो है, जातिवाद जो है, अनटचेबिलिटी अछूत प्रथा जो है, और बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूर की जो प्रथा है, शैल बी अबॉलिश्ड, उसे समाप्त कर देना चाहिए। बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years of the operation of the constitution. यानी कि आज भी अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो कुप्रथाएं हैं, क्या है सारी कुप्रथाएं जो है, आज भी फल फूल रही है। आज भी क्या हो रहा है, फल फूल रही है शेमलेसली, यानी कि बिल्कुल बेशर्मी से, इवन आफ्टर 44 इयर्स, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ उसे 44 साल हो चुके हैं, 44 इयर्स हो चुके हैं, द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑपरेट करते हुए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान लगाते हुए, या ये सारी की सारी कुप्रथाएं ना हो, इसके लिए ऑपरेट कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी ये चीज़ें फलफूल रही हैं। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades। यानी कि अभी रिसेंट में, हाल ही के अंदर, एक रिपोर्ट जो है हमारे पार्लियामेंट के एस्टिमेट कमेटी की, आयोग की, वह यह दर्शाती है, हाईलाइट करती है कि कैटेस्ट्रॉफिक यानी कि बहुत ही गंभीर रूप से विनाश हो रहा है इंडिया का जो फॉरेस्ट है उसका। और कब से हो रहा है, पिछले 40 वर्षों से। 4 decades का मतलब हो गया 4 दशक। 4 दशकों से किसी ना किसी तरीके से हम सभी लोग मिलकर के फॉरेस्ट का नाश करने पर या फॉरेस्ट को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलायबल डेटा, इंडिया के बारे में अगर एक विश्वसनीय डेटा के बारे में बात किया जाए तो इंडिया इज लूजिंग, इंडिया जो है अपने जो भी जंगल हैं, इट्स फॉरेस्ट, अपने जंगलों को खो रहा है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर अ ईयर। यानी एक साल में हम लोग कितने जंगल साफ कर देते हैं, लगभग 3.7 मिलियन एकड़ जमीन जो है, जंगल जो है, उसे हम एक साल में साफ कर रहे हैं। लार्ज एरियाज, बड़े बड़े इलाकों में ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, और ऐसे लैंड, ऐसे बड़े बड़े फॉरेस्ट लैंड्स की बात हो रही है जिन्हें आधिकारिक तौर पर डेजिग्नेटेड किया गया है, यानी कि उनको पदवी दी गई है फॉरेस्ट लैंड की, यानी कि हम जानते हैं, अनजाने में नहीं हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बताया गया है, प्लानिंग के अंदर साफ बताया गया है कि भैया ये वाला जो इलाका है ये फॉरेस्ट लैंड है, इसके अंदर जाकर के हमें लकड़ी वगैरह काटने का काम नहीं करना है। फिर भी उन एरियाज में, उन इलाकों में जाकर लकड़ी कट रही है। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, यानी कि कई ऐसे जो घोषित जो जंगल है वो वास्तविकता में अभी वर्तमान समय में ट्रीलेस हो चुके हैं, यानी वो जंगल तो है लेकिन उनमें पेड़ ही नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। यानी कि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं और वास्तविक आंकड़े जो हैं उनमें लगभग 8 गुना का अंतर है। तो वास्तविक नुकसान जो हो रहा है फॉरेस्ट का, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो सरकारी आंकड़े हैं उससे 8 गुना ज्यादा हो रहा है। तो सरकार कम बता रही है लेकिन जो नुकसान है, जो डिप्लीशन हो रहा है या जो
फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं वो 8 गुना उससे ज्यादा है। अ 3 ईयर स्टडी, एक 3 साल का अध्ययन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए यूजिंग सैटेलाइट, जहां पर हमने सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया एंड एरियल फोटोग्राफी, और एरियल फोटोग्राफी हम लोगों ने की उस सैटेलाइट के जरिए, यानी कि पूरा ऊपर से किसी इलाके का एक चित्र निकाला कि भाई आज कैसा दिख रहा है, आज के 5 साल बाद कैसा दिख रहा है, 10 साल बाद कैसा दिख रहा है, 10-20 साल बाद कैसा दिख रहा है। उन सारे फोटोज में अगर अंतर देखा गया तो हरे से भूरे होते हुए वो फोटो दिखाई दे रहे हैं। कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जो कि कंडक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, वॉन्स, वह चेतावनी देता है दैट द एनवायरनमेंट हैज डिट्रॉयटेड सो बैडली, कि एनवायरनमेंट इतना बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, बर्बाद हुआ है, दैट इट इज क्रिटिकल, कि बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, तो जहां पर 88 कंट्रीज की इन्वेस्टिगेशन की गई उनमें से कई जगहों पर, मैनी ऑफ द, यानी कि उनमें से कई स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है, यानी कि स्थिति इतनी खराब है कि भाई उसके बारे में आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्ट्रॉटिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि भैया तेजी से बढ़ती हुई जो मानव जनसंख्या है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही कठोर फैक्टर है जो कि डिस्ट्रॉट कर रहा है, बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को, यानी कि मानव सभ्यता के भविष्य को बर्बाद करने वाला एक कारण क्या है, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट मिलियन, मैनकाइंड को, मानव प्रजाति को बहुत ही लंबा समय, 1 मिलियन सालों का समय लगा था जब हम पहली बार बिलियन बने थे। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और इतनी ही थी पूरी की पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 1800 के आसपास, 1800 मतलब ईयर 1800, जैसे अभी ईयर चल रहा है 2023, वैसे ही ईयर 1800 की बात की जा रही है। बाय द ईयर 1900, जब तक 20वीं शताब्दी आएगी, अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, तो एक और बिलियन जो है जनसंख्या वो जुड़ जाएगी। एंड द 20th century हैज एंडेड अनदर 3.7 बिलियन, और जब तक 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही होगी या 20वीं शताब्दी आ रही होगी, तब तक, यानी 20वीं शताब्दी आते आते जो 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई, 2 बिलियन से उसके अंदर ही, 2 बिलियन के बाद 3.7 बिलियन इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। यानी कि आप ये देखो कि हमें 1 मिलियन साल लग गए 1 बिलियन तक पहुंचने में, उसके बाद में केवल 100 साल में ही हम उससे दुगने हो गए, अगले 100 साल में तो हम उससे 5 गुना 6 गुना होने के लिए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि मानवों की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो इतनी तेजी से बढ़ रही है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, तो वर्तमान में जो दुनिया की जनसंख्या है उसका अनुमान लगाया जाता है 5.7 मिलियन। एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन, और हर 4th दिन इस पूरी दुनिया की जनसंख्या जो है वो 1 मिलियन से बढ़ जाती है, 10 लाख से ऊपर हो जाती है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, तो डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा निरोधक है, निरोधक है मतलब जो बढ़ती हुई जनसंख्या से हमें नुकसान हो रहा है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट करना होगा। कैसा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। बट डेवलपमेंट इट्सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट जो है अपने आप में संभव ही नहीं हो पाएगा इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कॉन्टिन्यूस, अगर वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अगर वैसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो डेवलपमेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हो कि भैया आज जनसंख्या कितनी है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, कितने सालों में करना है, 20 सालों में करना है, चलो 20 सालों में जनसंख्या कितनी होगी, इतनी होगी। अब आपने जितना एस्टिमेट लगाया जनसंख्या का, जनसंख्या उससे 3 गुना हो गई, आप कैसे डेवलपमेंट करोगे? आप डेवलपमेंट की प्लानिंग ही ठीक से नहीं कर पाओगे कभी, है ना। तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो भी कहीं ना कहीं इस विनाश का कारण बनती है। द रिच गेट रिचर, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और गरीब लोग जो है
वो इतने ज्यादा मतलब उनके बच्चे इतने हो रहे हैं कि वे कंडेम्ड करते हैं, वे अभिशप्त हो जाते हैं खुद से ही हमेशा पुअर रहने के लिए। अमीर जो है बहुत अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के बोझ के कारण और गरीब हो रहे हैं या गरीब ही रह रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, मात्र इतना ही होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे जिनके पास काम ही नहीं होगा। ज्यादा बच्चे होने का मतलब ज्यादा वर्कफोर्स होना नहीं है कि काम करने के लिए ज्यादा लोग होंगे तो घर की आमदनी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ज्यादा बच्चे होने का मतलब है कि उन ज्यादा बच्चों में से ज्यादा बच्चे जो हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बेरोजगार ही रह जाएंगे, उनके पास करने के लिए काम ही नहीं होगा। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरलाइज्ड, और इट इज नॉट सजेस्टेड, ऐसा सलाह नहीं दी जा रही है कि ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल, कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान जो है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि मवेशी या पशु पक्षी हो, एंड कंपल्सरीली स्टेरलाइज्ड, यानी कि उनको निश्चित तौर पर नसबंदी किया जाना चाहिए। नसबंदी करने का मतलब होता है कि भैया आपको इस प्रकार के एक चिकित्सा से गुजरना होता है जिसमें आप और अधिक पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरीली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्शन। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड perpetuation of poverty। तो यहां पर हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसका हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। बस एक ही विकल्प है कि हम खुद आगे से होकर के, यानी खुद आगे से हम लोग फैमिली प्लानिंग करें बिना इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्शन, यानी कि जोर जबरदस्ती किए बिना ही मनुष्य खुद ही समझदार हो और खुद ही अपनी फैमिली प्लानिंग करे कि भैया दो बच्चे अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। उस तरीके से फैमिली प्लानिंग खुद ही आगे से करें बजाय किसी जोर जबरदस्ती के। द चॉइस इज रियली बिटवीन, वास्तविकता में हमारे पास दो चीजों के बीच में ही चॉइस है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, या तो हम अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करें, एंड या फिर परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है उसे हम स्थायी बना दें कि भाई गरीबी कभी भी नहीं हटेगी, गरीबी हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो या तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है या फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि भैया गरीबी रहनी ही है, क्योंकि लोग तो ज़्यादा है लेकिन उतना काम नहीं है, तो फिर कैसे होगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, यानी कि आज की तारीख में, यानी कि जिस दिन ये लिखा जा रहा था आर्टिकल, उस दिन के हिसाब से अगर देखें तो भारत की जनसंख्या जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि आज लगभग 920 मिलियन है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, यानी कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि भैया पूरा का पूरा अफ्रीका और पूरे के पूरा साउथ अमेरिका की अगर जनसंख्या को जोड़ लो तो भी उससे ज्यादा है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, यानी कि कोई भी इस बात से परिचित नहीं है, कोई भी इस बात को नहीं जानता दैट द कंडीशंस इन इंडिया, कि भारत में जो परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं, वुड डाउट, इस बात में शक है दैट द होप ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, यानी कि उनकी जो भूखी झोपड़ियां हैं, यानी ऐसी झोपड़ियां जहां पर भूखे लोग रह रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता में उनकी उम्मीद वहीं दम तोड़ देगी कि हम गरीबी से निकल जाएंगे, ये उम्मीद कभी उनकी पूरी होगी ही नहीं। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को, जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ज्यादा वरीयता, सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर नहीं दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम कभी भी गरीबी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, गरीबी को नहीं हटा पाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट, यानी कि सीमा से अधिक
यानी कि चेतावनी के स्तर से ऊपर उठता हुआ जो कंसर्न है, जो हमारी चिंता है, सीमा से अधिक चिंता हम जो कर रहे हैं, वो किस बारे में है? द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, कि केवल लोग या इंसान ही जीवित ना रहें। सर्वाइवल का मतलब होता है अपने आप को सस्टेन रख पाना, जीवित रख पाना। केवल इंसानों के जीवित रहने की बात नहीं है, बल्कि द प्लैनेट, बल्कि जो हमारी जो ग्रह है उसके भी जीवित रहने की बात है, हमें उसे भी जीवित रखना है। वी हैव बिगन टू टॉक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आर एग्जिस्टेंस, यानी कि हम लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है, हमने होलिस्टिक व्यू लेना शुरू कर दिया है, बहुत ही पवित्र नजरिया है, दृष्टिकोण लेना शुरू कर दिया है ऑफ द वेरी बेसिस, यानी कि बहुत ही मूलभूत चीजें जो है हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व में होने की। हमारा अस्तित्व किससे है? पृथ्वी से है। अगर पृथ्वी का अस्तित्व है तो हमारा है, पृथ्वी का नहीं है तो हमारा नहीं है। तो हमारा अस्तित्व यानी कि पृथ्वी के बारे में हमने बहुत ही होलिस्टिक यानी पवित्र नजरिया जो है रखना शुरू कर दिया है, और हम उसके सर्वाइवल के बारे में भी सोच रहे हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिंगल आर डिमाइज, यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है, डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिमाइज। व्हेन आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है कि भाई वह सिग्नल करता है, निर्देश करता है हमारे विनाश होने का। इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं ये सारे के सारे हमारे लिए पासपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है, यानी कि ना केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी। हमारी पृथ्वी पर हम जिस तरीके से सस्टेन कर रहे हैं, जिस तरीके पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, ना केवल आज की बात है, ना केवल हमारे अस्तित्व की बात है, बल्कि हमारे भविष्य की भी इस बारे में चर्चा हो रही है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अनश्रेड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आगे बढ़ता हुआ उभरता हुआ जो नया संसार है और संसार का जो नजरिया है, विजन है, आगे का जो उनकी सोच हैज अनश्रेड, वो लेकर के आया है एक ऐसा युग जो कि जिम्मेदारी के युग से जाना जाएगा। द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहां पर लोगों पर उत्तरदायित्व भी है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, ये एक बहुत ही पवित्रतम दृष्टिकोण है। एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक जैव विविधता से या पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ता हुआ व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, जो कि पूरे के पूरे संसार को एक समग्र या मिश्रित के रूप में देखता है, अलग अलग करके नहीं देखता। इंसान अलग है, पशु पक्षी अलग है, पेड़ पौधे अलग है, ऐसा नहीं देखता। पूरे संसार को एक रूप से देखता है, होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये इसे एक होल यानी समग्र या संपूर्ण के रूप में देखता है, बजाय इसके कि भाई ये इसे खंडित या टुकड़ों में या अलग अलग पार्ट्स में देखे कि भाई अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने अभी कहा, पूरी पृथ्वी एक है, उसमें पेड़ पौधे भी आ गए, जैव भी आ गए, आपके पशु पक्षी आ गए, उसके अंदर आपके जो वन्य जीव हैं, जल्य जीव हैं, सारे के सारे, सब सारी चीज़ें एक समग्र के रूप में हम देखते हैं, अलग अलग भाग के रूप में हम नहीं देखते। मनुष्य अलग है, सबसे ऊपर आ गए, उसके नीचे फिर जीव जंतु आ गए, पशु पक्षी आ गए, फिर उसके नीचे कौन आ गए, उसके नीचे पेड़ पौधे आ गए। तो पेड़ पौधा काटने से पहले हम बिल्कुल नहीं सोचते, पशु पक्षी को काटना हो थोड़ा सोचते हैं, पर उतना नहीं सोचते, काट देते, काम हो रहा है तो, और फिर सबसे ऊपर अपने आप को मानते हैं। तो वो वैसा नहीं है नजरिया। नजरिया क्या है? हम सब एक हैं और हम सब पृथ्वी का हिस्सा हैं, कलेक्टिव पार्ट ऑफ अर्थ हैं। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग जगत जो है, उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ये जो नया युग है जिम्मेदारियों का, उसमें। वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ DuPont, Mr. Edgar S. Wooland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. बहुत ही शानदार बात है। What a transformation! किस तरह का परिवर्तन, कायाकल्प होने को देखने को मिला है। Would be effective. किस तरीके से वो प्रभावशाली होगा अगर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन, ज्यादा से ज्यादा व्यापारी जो है वो शेयर करें, साझा करें व्यू जो चेयरमैन ने किया है, DuPont, मिस्टर एडगर एस वुलैंड, जो कि जिन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर किया था, घोषित कर दिया था अपने आप को टू बी द कंपनीज, यानी वो खुद कौन है, कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं, मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, आर कॉन्टिन्यूड एक्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स द दैट
वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम कंटिन्यूली यानी लगातार हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व जो बना हुआ है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर यानी कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरर, एक ऐसा वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनी के तौर पर जो सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है, रिक्वायर्स, उसे आवश्यकता है कि हम एक्सेल करें यानी कि हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, सबसे लाजवाब शानदार तरीके से परफॉर्म करें। किस क्षेत्र में? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के तौर पर, यानी कि पर्यावरण में जो हमें परफॉर्म करना है उस पर्यावरणीय परफॉर्मेंस के अंदर हमें सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर में सबसे लीडिंग कंपनी हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, तो बाकी जो लोग हैं जो हमारा अनुकरण करते हैं, जो हमारे देखा देख चलते हैं, वो भी अपने आप वही काम करना शुरू कर देंगे। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जितने भी स्टेटमेंट्स यानी कि जितनी भी बातें उन्होंने कही है मार्गरेट थैचर ने, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान उन्होंने कही थी, नन हैज पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फ्लीटिशियस वर्ड्स, यानी कि कोई भी जितनी भी उन्होंने बातें कही उनमें से किसी को भी पास नहीं किया गया बहुत ही डिसिसिवली करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश के अंदर, यानी कि वर्तमान में जो अंग्रेजी के कॉइन है उसके अंदर, यूजेस एज हर फिलिशिटियस वर्ड्स यानी कि उनके जो उपयोग शब्द हैं उनके तौर पर, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र पकड़ बनाती हो इस पूरे अर्थ पे, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी, बस हमारे हम सब एक किराएदार का जीवन यहाँ पर जी रहे हैं विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और एक ऐसी शर्त पे हम ये जीवन पृथ्वी पे जी रहे हैं कि भैया जैसे मान लो आपने किसी का घर किराए पे लिया है कि जब तक मैं जीवित हूँ भाई साहब मैं आपके यहाँ पर रहूँगा किराए पे, ठीक है, कोई भी टूट फूट होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी मकान में, सारा मैं सुधरवा करके आपको दूंगा, इस तरह की लीज में हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के अगर वर्ड्स में कहा जाए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी बात कही कि भैया हमें उत्तराधिकार में अपने पूर्वजों से ये पृथ्वी नहीं मिली है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड यानी कि हमें उत्तराधिकार में ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि वी हैव बोरोड, हमने उधार लिया है इसे अपने बच्चों से, यानी हमारी आने वाली जो जनरेशंस हैं उनसे हम लोगों ने इस पृथ्वी को उधार लिया है ताकि हम यहाँ रह सकें, सस्टेन हो सके, अपना जीवन जी सकें, ना कि हमें ऐसा मानना है कि भाई हमारे पूर्वज ये पृथ्वी हमें दे गए हैं अब हमारी जो मर्जी हो करें, तो वो चीज़ नहीं है, नज़रिए का अंतर है, जैसे जैसे दृष्टिकोण बदलता है वैसे वैसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो गाइस फटाफट से मुझे 5 पॉइंट कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और इन 5 पॉइंट्स में मुझे ये बता दीजिए कि भैया एनवायरमेंटल बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एनवायरमेंटल यानी कि पूरा पर्यावरण से संबंधित जो बेहतरी है उसके लिए हम लोग, आप और हम सामान्य लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ठीक है गाइस? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।